नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। रत्नों से बनी अंगूठी को निर्धारित अवधि के लिए ही पहना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहों के परिवर्तन से रत्नों का अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसी अंगूठी के बारे में बताया गया है जिसे हमेशा धारण किया जा सकता है। ये अंगूठी जीवन भर लाभ ही लाभ देती है। ऐसे में जानते हैं इस अंकारामाती अंगूठी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पंच धातु की अंगूठी का महत्व। ज्योतिष शास्त्र में पंच धातु को विशेष महत्व दिया जाता है। पंच धातु से हमारा तात्पर्य है पांच धातुओं से बनी हुई अंगूठी के बारे में बात करना। पंच धातु में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और सीसा शामिल होता है। इन धातुओं से बनी अंगूठी व्यक्ति के जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। पंच धातु की अंगूठी धारण करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही साथ विचारों में सकारात्मकता आती है। इसके अलावा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। इतना ही नहीं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भी खत्म होता है। पंच धातु की अंगूठी लक्ष्य निर्धारित करने में भी सहायक होती है। मिलती है माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा। पंच धातु की अंगूठी धारण करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस अंगूठी को विधिवत रूप से धारण करता है उसे जीवन में पैसे की कमी नहीं होती। पंच धातु की अंगूठी कैसे धारण करें? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पंच धातु की अंगूठी किसी भी उंगली में धारण किया जा सकता है, लेकिन इसे अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।